Hi guys, so today I, Jasmine Basin, is back with Pink Villa and aaj hum karne wale get ready with me. So basically, as you know that I do a lot of campaigns for Instagram, तो आज मेरा वैसे एक brand shoot है. और यूजुअली इंस्टा के कैंपेन्स के लिए ना आई डोंट प्रेफर लाइक प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर. आई लाइक टू कीप इट नेचुरल द वे आई एम. अपना खुद से ही मैं हमेशा मेकअप करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. तो उसी के लिए मैं रेडी होने वाली हूँ एंड आई विल शो यू हाउ डू आई गेट रेडी. अभी मानसून का वेदर है, मेरी स्किन ऑलरेडी यू नो मानसून में थोड़ी अजीब हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है. ब्रेकआउट्स लाइक यू वुड नेवर सी बट यू कैन स्टिल सी वन ब्रेकआउट ऑन माई फेस. मानसून में ना समझ नहीं आता है, ना स्किन बिल्कुल ड्राई होती है ना ही ऑयली होती है. इट्स लाइक चिपचिप. सो बहुत ही केयरफुली प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं. सो उस हिसाब से आज मैं मेकअप करने वाली हूँ. वो प्रोडक्ट्स यूज कर मेरे पास हर मौसम हर स्किन टाइप जो मेरी मौसम के हिसाब से हो जाती है उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. तो आज ये जो मेरा बैग है और थोड़े से प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आजकल मेरा चल रहा है 2-3 महीने मानसून सीजन, वो वाले मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. And as you can see, मेरी skin थोड़ी अजीब ही हुई पड़ी है. ऊपर से I haven't been feeling well. I'm under the weather. पता नहीं मेरे stomach में क्या हो गया. So my under eye is looking very जैसे बीमार हो जैसे होता है, dehydrated and dark. So today for my under eye, I'm going to use a caffeine under eye solution. Okay, so caffeine क्या है? कॉफ़ी. कॉफ़ी हम क्यों पीते हैं? जागने के लिए. तो कैफीन से मेरा अंडर आई फील थोड़ा सा यू नो फ्रेश और लाइवली हो जाता है. स्किन ऐसी डेड डिहाइड्रेटेड यू नो इतनी नहीं लगती है, थोड़ा सा उसमें वाइब्रेंसी लाइक इट वेक्स योर स्किन अप. बट आई डोंट रिकमेंड इट कि आप ये फुल फेस यूज़ करें, जस्ट फॉर अंडर आई इट्स गुड. फर्स्ट आई एम गोना यूज दिस कैफीन सिरम फॉर माई अंडर आई विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी द डेज योर अंडर आई इज डिहाइड्रेटेड एंड ड्राई. एंड पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हम सिरम को ऐसे लगाएं. ट्रस्ट मी गाइस, सिरम लगाने का बेस्ट तरीका ये होता है, मुझे मेरी डॉक्टर ने बताया. यू नेवर हैव टू रब एनी ऑफ द सिरम्स. यू जस्ट आपका सिरम ना आपकी स्किन में पेनिट्रेट करना चाहिए, जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम भी देना चाहिए. ऐसा जादू नहीं है कि अभी लगाया अभी कुछ वो हो जाएगा. बट माई अंडर आई जब मेकअप होगा इट विल नॉट लुक डल एंड डेड एंड आई वोंट नीड टू मच ऑफ बेस टू कवर अप. इसीलिए मैंने ये कैफीन सिरम लगाया है. सो नाउ माई सिरम इज़ डन. एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल माई डे लुक काइंड ऑफ मेकअप, आई वॉन्ट माई स्किन टू लुक फ्रेश हाइड्रेटेड डूई. बट इस मौसम में चिप चिप डूई. सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस प्राइमर विच इज़ वाटर बेस्ड. इट्स लाइक अ जेल. ये चिप चिप नहीं करेगा बट मेरी स्किन को ना एक ड्यूई फ्रेश लुक देगा. सी लाइक एक्चुअली मुझे पता है सबसे पहले क्या करना चाहिए था. मेकअप करने से पहले ना आपको अपने बाल पीछे बांध लेने चाहिए विच आई डिड नॉट डू. तो ये मैं बाल ऐसे क्लिप कर लेती हूँ. ओके कंटिन्यू. सो दिस इज माई प्राइमर. आई बिलीव प्राइमर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेकअप लगाने से पहले, क्योंकि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है ऑफ ऑल द बेस एंड एवरी थिंग पेनिट्रेटिंग इन साइड आर स्किन एंड ऑल्सो गिव्स अस लाइक अ फ्लॉलेस लुक. लाइक आपका बेस ज़्यादा अच्छे से सेट करेगा, आपका बेस ज़्यादा लंबा चलेगा. और आज तो मेरे पूरे दिन बैक टू बैक शूट्स हैं, तो मैं ऐसा मेकअप करने वाली हूँ जो टिका रहे. उसके लिए मुझे अच्छा बेस अच्छा प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है. तो मेरा प्राइमर भी हो गया है. नाउ व्हाट्स अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इज़ कि आपकी स्किन हेल्दी लगनी चाहिए. इसीलिए मैं इतनी सब चीज़ें लगाती हूँ ताकि आपको मेकअप कम लगाना पड़े, आपका स्किन हेल्दी लगे. ये है मेरा लिप बाम. दिस इज़ अ वेरी गुड लिप बाम बिकॉज इट हैज़ पेप्टाइड्स इन इट. लिप बाम्स जो ऑयली हो जाते हैं सबको यहाँ ब्रेकआउट्स होने चाहिए, दिस नॉट ऑयली, दिस हैज़ पेप्टाइड्स विच मेक्स योर स्किन लुक लाइक बाउंसी यंगर. इट्स वेरी गुड फॉर योर लिप्स. अभी मेरा ऑलमोस्ट पूरा प्रेप हो चुका है स्किन के लिए. यूजुअली जब मैं इंस्टा के शूट्स करती हूँ डील्स ब्रांड डील्स, सो आई डोंट रियली यूज़ बेस. मैं सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ. कंसीलर लगाने के बाद मैं कॉम्पैक्ट से कवर अप कर लेती हूँ और बाकी जो भी मेकअप होता है वो कर लेती हूँ. आईज़ आई नेवर डू वेरी हैवी बिकॉज आई डोंट लाइक इट ऑन मी ऑन माई सेल्फ. बट आज क्योंकि मुझे पूरा दिन शूट करना है तो मुझे प्रॉपर बेस करना पड़ेगा. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट obviously my biggest problem area these days and most of the time
अंडर आई. मेरा ना अंडर आई बहुत डिहाइड्रेटेड सा है. इट आई थिंक उसका एक रीज़न ये भी है कि बिकॉज आई हैव हुडेड आईज, अंदर घुसी हुई वाली टाइप की आँखें हैं, इसीलिए तो उसके लिए डायरेक्ट कंसीलर नहीं लगाती हूँ मैं, पहले एक न्यूट्रलाइज़र लगाती हूँ ताकि ये मुझे ज़्यादा कंसीलर ना लगाना पड़े. ज़्यादा कंसीलर लगाऊंगी तो जल्दी जल्दी लाइन्स आएंगी, जल्दी जल्दी ब्रेक होगा एंड इट लुक्स वेरी बैड. मेकअप दैट डजंट लुक नेचुरल फॉर मी डजंट लुक नाइस. मेकअप ब्रेकिंग हैविंग लाइन्स इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. सो यू सी मैंने ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया. प्रोडक्ट हमेशा मेकअप में मिनिमम लगाना चाहिए. आपको देखना चाहिए कितना धीरे धीरे लेयरिंग करो. अचानक सम पीपल लाइक वो टू मच सी. आई जस्ट टच्ड माई ब्लेंडर एंड द न्यूट्रलाइजर और मैंने ऐसा ऐसा करके ये डैप कर लिया. मतलब प्रेप इतना अच्छा करो कि मेकअप ज़्यादा लगाना ही ना पड़े. आप देख सकते हो ऑलरेडी अंडर आई में डिफरेंस दिख रहा है. बट क्योंकि आज मुझे लंबा मेकअप टिकाना है और काफ़ी हेक्टिक शूट है सो मैं फाउंडेशन भी लगा रही हूँ. फाउंडेशन सिर्फ इतना सा लगाना चाहिए. बहुत लोग पूछते हैं ना जस्ट वन पम्प टाइनी सा, इतना सा मतलब ये फैल गया है. टू मच विल जस्ट एड एज एंड केकीनेस ऑन योर फेस. जितना ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट लगाओगे जितना ज़्यादा उतना I believe we look aged. कम से कम मेकअप सो दैट एटलीस्ट आपका स्किन का टेक्स्चर भी तो दिखे. और आज जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ना, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट नेचुरल काइंड ऑफ फाउंडेशन. ये बहुत ही हैवी कवरेज नहीं देता है और बहुत ही ज़्यादा होता है ना केकी केकी वाला शादियों में जैसे हम लगाते हैं वैसा फाउंडेशन नहीं है. दिस इज़ लाइक अ वेरी नेचुरल वन. सो वॉटरी. I have other foundations also which give very good high base. They will stay on your skin for like 2 days also. But today I don't need it because it's not like a very this shoot where there are heavy lights. जब ज़्यादा lights होती हैं, you know there's a film or TV camera or ad camera, then you need all that. आज naturally रखना है but लंबा चले. तो ये तो मेरा हो गया base. See, water जैसा था ना, it's not looking cakey ना. Tell me, it's not looking ना cakey. मैंने अपनी लाइफ में मेकअप बहुत लेट स्टार्ट किया. मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊँ. मैं एक ऐसी लड़की थी जैसे टीनेज में लड़कियाँ होती हैं ना, ओ आई वांट टू लुक प्रिटी, आई वांट अप्लाई द, मैं कुछ नहीं, मैं दिन में मुंह भी नहीं धोती थी. मैं सुबह स्कूल जाने के टाइम साबुन जो हाथ धोने का हमारा साबुन होता है ना, मैं उससे मुँह धोती थी. और शाम तक मेरी मम्मी इरीटेट होकर मुझे बोलती थी, भाई दिन में मुँह तो 2 बार धो लिया कर. आई वॉज दिस पर्सन. एंड देन व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, माई रूममेट्स इन माई हॉस्टल यूज टू से, जैस्मिन अगर ऐसे बिना मुँह धोए ऐसे लड़कों ऐसे कपड़े पहने बाल कुछ भी कहीं पर भी जा रहे हैं तो अगर जाएगी तो हम तुझे अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, वी डोंट नो यू. मेरी रूममेट सीधा डिनाई करती थी. सो एट दैट टाइम आई लर्न लिटिल लिटिल मेकअप. और मेरे लिए मेकअप हमेशा से होता था काजल लिप बाम, इतना ही मेकअप. मैंने एक्चुअल मेकअप सीखा है व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टशनिश, माय फर्स्ट शो ऑन जी. मैं दादा को देखती थी, अच्छा कैसे लगाते हैं, ऐसे लगता है, ये होता है, वो होता है. दैट इज़ हाउ आई हैव लर्नड एंड नाउ आई हैव कम टू दिस. मैं आज भी आईलाइनर खुद नहीं लगा सकती हूँ. मैं आज भी कोई बहुत जो सुंदर सुंदर आई शेडोज होते हैं मैं नहीं लगा सकती हूँ. मैं सिर्फ बहुत बेसिक मेकअप कर सकती हूँ अपने फेस पे, बट मुझे लगता है बेसिक ही करना चाहिए ज़्यादा. क्यों अपनी शक्ल बदलनी है ज़्यादा मेकअप लगा के, जो है उसको ही बस इन्हेंस कर लो. तो ये मैंने बहुत ज़्यादा कंसीलर लगा लिया बातें करते करते, आई एम सॉरी. इतना कंसीलर नहीं लगाना था, इसको ब्लेंड करने में बड़ी आफत आ जाएगी. देखो अभी ये हो गया, मतलब मेजरली बेस हो गया पूरा. ठीक लग रहा है, अंडर आई एंड फुल फेस. ठीक है, ये जो मेरा पिंपल है ना, इसको मैं छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको छुपाऊंगी तो मुझे इतनी इतना मतलब लोगों की नज़र नहीं भी जानी होगी ना तो भी जाएगी. ये गलती अक्सर लोग करते हैं, बोलते हैं पिंपल पे पहले ग्रीन लगाओ फिर ऑरेंज लगाओ फिर बेस लगा लो. क्यों, वो ऑलरेडी बल्ज हुई पड़ी है स्किन, वो ऑलरेडी आपकी स्किन सफ़र कर रही है, उसको क्यों और सफ़र कराना है इतना थोप के. लेट इट बी, लेट द पिम्पल बी. जब उसको हील होना होगा, उसको हील होने का अपना टाइम, तो वो हील हो जाएगा. सो ये हो गया मेरा क्विक फाउंडेशन फटाफट से. हाँ, बेस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं हर चीज़ के लिए एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ. मोस्टली जब मैं अपना मेकअप करती हूँ, जैसे ऐसे घूमते फिरते इधर उधर जाते हैं, तो मैं सिर्फ बेस लगाती हूँ और ऐसे कॉम्पैक्ट बेस नहीं सॉरी कंसीलर लगाती हूँ और ऐसे कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ.
एंड दिस कवरेज इज ऑल्सो मोर देन इनफ. मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इतना मेकअप करूँ तो इट्स लाइक मैं शादी में जा रही हूँ या कोई फंक्शन में जा रही हूँ. मैं मेकअप में तभी करती हूँ, बट आज बहुत लंबा दिन है शूट का, इसलिए ये हो गया मेरा बेस. माई बेस इज सॉर्टेड, बट ऑफकोर्स आई लव माई आईब्रोज, आई लव इन्हेंसिंग माई आईब्रोज. सो उस पर मैं एफर्ट करती हूँ. फर्स्ट आई ऑलरेडी एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड विद लाइक गुड थिक ब्राउज, तो कुछ नहीं बस इनको थोड़ा सा ऐसे जेल लगाया. मोस्टली सिर्फ मैं जेल लगाती हूँ, पर आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फिल कर लूँ, क्योंकि मेरी आईब्रो वाली दीदी ने यू कैन सी थोड़ा सा ब्लैंक कर दिया है. सो द बेस्ट हैक आई टेल यू इज, अगर आपके पास ये जेल वेल भी नहीं है, आपको सिर्फ एक ऐसा ब्रश लेना है जब भी आपको लगे आईब्रोज फक्ड अप है, कुछ नहीं करना है, तो इनको ऊपर की तरफ ऐसे करना है, सी इट लुक्स मोर फुलर, बस ऐसे सेट कर लो एंड इट स्टेज लाइक दिस. और अगर जैसा मेरे साथ मेरी आईब्रो वाली दीदी ने कर दिया है, ये स्पेस कर दिया, उसको फिल कर लेंगे थोड़ा सा. आई नेवर यूज़ अ पेंसिल, बिकॉज पेंसिल क्या होता है, उसकी अपनी विथ होती है, थिकनेस की, थिननेस की, कोई बहुत ज़्यादा थिन होती है, कोई बहुत ज़्यादा थिक होती है. सो आई ऑलवेज यूज़ दिस एंगल्ड ब्रश. एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अब मुझे 2015 से मैं मेकअप कर रही हूँ, अभी काफ़ी टाइम हो गया है. एंगल्ड ब्रश इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़ फॉर योर आईब्रोज फिलिंग. एंड नेवर यूज़, आपको लगेगा कि ब्लैक आईब्रो है तो मैं ब्लैक शेड लगाऊँ, नहीं, हमेशा जो लाइटेस्ट, लाइक दिस इज़ द लाइटेस्ट शेड आई हैव, ये सबसे ज़्यादा यूज भी है फिलिंग के लिए. हमेशा आपके आईब्रो से दो शेड लाइट यूज़ करना चाहिए. दिस इज़ अ हैक आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई नो आईब्रोज आर टू मच इन ट्रेंड, एवरीबडी इज़ डूइंग इट, इट्स नाइस, बट दे शुड नॉट लुक लाइक टैटू बना लिया यार, नेचुरल थोड़ा लगने देना चाहिए. बिकॉज आई फील व्हाट्स नेचुरल इज़ प्रिटियर, बिकॉज इट मेक्स अस यूनिक एंड वी शुड लव आवर फ्लॉज, इट्स ओके, दैट मेक्स अस यूनिक. आई तो हैव सो मैनी. तो बस ये इतना सही फील करना था जितना मेरा दीदी ने ख़राब किया. और यहाँ पर अभी देखो मेरी आईब्रो लग रही है टैटू जैसी है, मैंने बहुत फिलिंग करी है, नहीं लग रही ना, जस्ट बिकॉज आई स्मार्टली यूज टू शेड्स लाइटर शेड, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. आईज ज़्यादा मुझे करनी नहीं आती, ज़्यादा मैं फ़ैन भी नहीं हूँ, और ये नेचुरल सा. अब मेरी हुडेड आई है, मेरी आई छोटी लगती है, तो उसके लिए मैं आपको एक हैक बताती हूँ. हमेशा ना हल्का सा डार्क, जैसे एक ब्राउन टाइप शेड है, उससे आंख ऐसी बंद करके और अराउंड योर आई ना एक ऐसा कुछ क्रिएट कर लो, बस अराउंड योर आई, और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ. ठीक है, अभी ऑलरेडी आई बड़ी लग रही है और नेचुरल भी लग रही है, ज़्यादा वो नहीं लग रहा है कि ख़तरनाक शादी में जाने वाली. बस ऊपर को आपको इस पे लगाना ही नहीं है, तो ऊपर को ऐसे लगाना है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लगाना है क्योंकि हमने शेप करी, और जो भी लाइटेस्ट पॉसिबल शेड हो, बिकॉज आई लाइक नेचुरल, सबसे लाइटेस्ट पॉसिबल शेड इसमें ये है, मैं इसको अपने इस पे लगाऊंगी, ये जो होता है ना इसके ऊपर लगाया, फिर इसको इसी ब्रश से ब्लेंड कर दिया शॉर्टकट एंड मी बीइंग लेजी, क्योंकि मैं मेकअप में ज़्यादा, आपको पता है मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई भी शूट किया हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही खतरनाक लोगों, आधे घंटे ज़्यादा मैं हेयर मेकअप के लिए नहीं बैठी हूँ. मेरी टीम को पता है कि बैठ ही नहीं सकते, इतनी देर में मेकअप करके ख़त्म करना ही है, मतलब कुछ भी करके आधे घंटे में हेयर मेकअप के साथ खड़ी होती हूँ. देखो आई बड़ी लग रही है, नेचुरल लग रही है, अच्छी लग रही है. वन मोर हैक, हाउ टू मेक योर आई लुक बिग. So right now I can't find my black kajal, but this is a dark brown kajal that I use because I already have black eyes, like really dark brown. तो एकदम काला काला लगाती हूँ तो सूट नहीं करता है. मुझे लगता है कि इंडियन आइज के लिए डार्क ब्राउन इज द बेस्ट शेड ऑफ काजल टू यूज़, लाइक रियली डार्क ब्राउन, दिस इज़ अ वेरी डार्क ब्राउन. सो नाउ मैं ये करके ये एरिया जो था ना, आपको समझ आया, यहाँ पे काजल लगाऊंगा. नाउ यू सी इमीडिएटली, यू विल सी द डिफरेंस इन माय दिस आई एंड दैट आई. दिस इज लुकिंग मोर अपलिफ्टेड एंड लिटिल बिगर एंड दिस इज लुकिंग स्मॉल. और ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने आईलाइनर लगाया है अपनी आई को एनहांस करने के लिए, कुछ नेचुरल.
लगेगा ही नहीं मेकअप है। ऑल्सो सेम एंगल ब्रश लेके मेरी छोटी छोटी आँखों को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए वही लाइट ब्राउन लेके मैं थोड़ा सा शेडिंग कर लूँगी। दीज आर लाइक हैक्स व्हेन यू डोंट वांट टू कैरी टू मच मेकअप, वही एक ही चीज़ से चार काम हो जाते हैं। ये देखो डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ इतना सा लगाया है। सो ना मैंने काजल लगाया है, ना मैंने लाइनर लगाया है, ना मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे, बट आई हैव एनहेंस्ड माई आईज वेरी वेरी नेचुरली। एंड नाउ आई विल डू माई फेवरेट पार्ट, मस्कारा। मैं मेकअप करूँ नहीं करूँ, मस्कारा लगाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे याद है बहुत साल पहले मैं एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे थी एंड आई वेंट टू अ मेकअप स्टोर एंड दैट गर्ल टोल्ड मी, वहाँ पे जो गर्ल थी सेल्स गर्ल, उन्होंने मुझे बोला आप कभी लाइफ में कुछ लगाओ नहीं लगाओ, आप मस्कारा ज़रूर लगाना। मैंने बोला क्यों? उसने बोला बिकॉज यू हैव नेचुरली प्रिटी लैशेज, तो उनको एनहेंस करके रखोगे यू वुड नॉट नीड एनी थिंग। सो पता नहीं अब बात में कितनी सच्चाई थी, बट आई लव पुटिंग मस्कारा। दिस डेज आई एम यूजिंग दिस वन, क्योंकि मुझे वो बहुत खतरनाक लंपी मस्कारा नहीं पसंद है, मस्कारा भी नेचुरली लगना चाहिए। सी नाइस बट नेचुरल, नॉट लाइक मस्काराड थिक लुक। एक दिन ना हम एकदम शादी वाला मेकअप लुक भी करेंगे, वो भी करती हूँ मैं कभी कभी, बिकॉज व्हेन आई गो टू प्राइवेट पार्टीज एंड फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस, आई डू दैट मेकअप ऑल्सो मायसेल्फ समटाइम्स। आई लाइक जब मैं वो वाला मेकअप करती हूँ तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं काजल भी लगा लूँगी, मैं लाइनर भी लगाने की कोशिश करूँगी, जो मोस्टली ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप स्मज्ड लुक देखोगे, मैं फिर उसको स्मज कर देती हूँ। थोड़ा सा अंदर आए गाइस, गुड न्यूज़, माय मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ थोड़ा सा लिप बाम, ये हो गया नेचुरल। अब देख मैंने अपने पेप्टाइड वाले लिप बाम पे ही लगाया है, सो इट्स गिविंग सच अ नाइस नेचुरल फ्लश टू इट, इट्स नॉट लुकिंग लाइक आई हैव अप्लाइड लिपस्टिक और अ टिंट, इट्स लुकिंग लाइक माय लिप्स आर ओनली पिंक। और वो ही सेम शेड लो थोड़ा सा लगाओ और फिर सेम उसी ब्लेंडर से उल्टी साइड से करके ब्लेंड कर लो। एंड माय मेकअप इज डन गाइस। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मेकअप पूरा दिन टिकाना है, प्राइमर, या सॉरी इसको क्या बोलते हैं, फिक्सर। तो ये फिक्सर, हाँ, दिस इज़ माई मानसून एवरी डे नेचुरल मेकअप लुक एंड आई एम रेडी। अभी मुझे सिर्फ अपना आउटफिट पहनना है एंड आई एम ऑल सेट फॉर शूट। नाउ आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप मेकअप कर सकते हो। एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी करते हुए देखती हूँ, जब हमारी स्किन ज़्यादा डैमेज होती है ना, तो हमें लगता है हम उस पर, हम उसे कवर कर लें, हम उसे और मेकअप लगा लें। ट्रस्ट मी गाइज, उससे ना वो जो फ्लो होता है वो ज़्यादा हाईलाइट ही होता है, ऊपर से उस जो प्रॉब्लम चल रही होती है, एक्ने या ब्रेकआउट व्हाटएवर, वो इंक्रीज ही होती है। लेट इट बी, लेट इट हील, डोंट, क्या ज़रूरत है पूरा कवर करने की, सबको एक्ने ब्रेकआउट पिट सब कुछ होते हैं। सिर्फ अपना अंडर आई कंसील कर लो, अपने लैशेस को हाईलाइट कर लो, अपने यू नो लिपस्टिक लगा लो, अच्छा सा ग्लॉस लगा लो, काजल लगा लो, जस्ट इनहेंस योर यू नो योर फीचर्स, यू डोंट हैव टू कवर इट, इट्स वेरी नॉर्मल। सो गाइस स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज ना इट विल ओनली मेक योर स्किन वर्स एंड इट विल ओनली हाईलाइट द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू, तो लेट इट हील। एंड विद दिस आई एम रेडी, आई विल जस्ट चेंज एंड गेट इन टू माई शूट लुक। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक, कुछ मेजर नहीं है, जैसे मैंने बोला था सिंपल, वेरी होम, घर वाला नेचुरल लुक, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स। एंड मुझे बड़ा मज़ा आया, आई होप आपको भी मज़ा आया हो छोटे छोटे हैक्स और टिप्स से जो मैंने आपको दिए, एंड आई होप यू फॉलो एंड सी यू सून अगेन ऑन पिंक विला। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू गाइज थ्रू देम। लव यू ऑल, बाय।